भारत देश में धर्म को बराबरी नज़र से देखा जाता है, सिर्फ ये कहने की बात है या सही में ये ऐसा होता है? आज भारत देश में जाति जाति पे एक दूसरे को मारने और काटने में तुले हुए हैं, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। अगर मुसलमान आते हैं तो हिंदू अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अगर हिंदू आते हैं तो मुसलमान अपनी आंखें बंद कर लेते। क्या सही में सच्चाई है? क्या सही में हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़े हुए हैं? क्या इस दीवारों को आप और हम तोड़ सकते हैं? क्या मुमकिन है या नामुमकिन हो चुका है? जिस तरीके से अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा है कि जमेटो में एक बहुत बड़ा ऐसा एक दीवार खड़ा करने की कोशिश करा है कि वहाँ पर एक मुसलमान व्यक्ति सामान की डिलीवरी करने आते हैं और उसके बाद जो बवाल हुआ है वो आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उस बात के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मुसलमान भी है और हिंदू भी है। क्या आज ये दीवार तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर, आपको तो पता होगा ये कैसा एक माहौल चल रहा है, और अभी जोमेटो में जो हुआ है उसके बाद भी हमारे देश में इस तरीके की माहौलों को पैदा किया जाता है, या इस माहौल से हमें कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, जोमेटो में जो हुआ था, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि डिलीवरी बॉय जब जाकर कंपनी में, उसने बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, तो कंपनी ने जो बयान जारी किया वो बहुत ही बेहतरीन जवाब था और कंपनी की तारीफ़ की गई, जोमेटो को शाबाशी दी गई है। और मैं समझता हूँ कि जोमेटो कंपनी के मालिक तो मुसलमान नहीं थे, डिलीवरी बॉय मुसलमान था, मालिक तो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसने जो बयान दिया, जो स्टेटमेंट दिया, उसकी सर ज़बरदस्त स्टेटमेंट, यानी भारत की जो विभिन्नता है, जो भारत की खूबसूरती है, उसको शब्दों में पिरोकर जोमेटो के डायरेक्टर ने बात कही। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जोमेटो के उस मालिक को, तो और ये भी जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि जोमेटो का डिलीवरी बॉय मुसलमान था जिसके साथ ये एट्रोसिटी हुई, घटना घटी, लेकिन मालिक हिंदू था, तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। देश में वैसा वातावरण नहीं है जैसा बताया जा रहा। एक पक्ष ये है मुट्ठी भर लोग, उन्होंने धर्म के नाम पर उसको अवॉइड किया कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे यहाँ से मैं खाना नहीं लूँगा, तो वो हिंदू नहीं है। चूँकि हिंदू धर्म की जब आप व्याख्या करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो समंदर है। हिंदू धर्म तो वो धर्म है जो पीपल की पूजा कर ले, बरगद की पूजा कर ले, सांप की पूजा करे, मस्जिद के सामने झुके, दरगाह के सामने झुके, मंदिर के सामने झुके, सब शक्ति की भक्ति करने वाला, तो वो इतना संकीर्ण नहीं हो सकता है। उसका तो, उसकी सोच तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। आपका आपका नाम बताइए। मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर है। हाफिज जी का क्या कहना है हिंदू के प्रति? आप लोग सुना है जो थोड़ी सी मुट्ठी भर लोग हमारे देश को बांटने में लगे हुए, लेकिन हाफिज जी इतना बड़ी बात बताया है। सर, सफल नहीं होंगे। सर, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुसलमानों को भी और हिंदू को भी? देखिए, सबसे पहले तो आपको तटस्थ होना है। हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। हो क्या रहा इस देश में कि तथाकथित मुस्लिम नेता और तथाकथित हिंदू धर्म गुरु, जिनको समाज की चिंता कम है, अपनी चिंता ज़्यादा है, वो दल विशेष की गुलामी कर अपना नंबर बनाते हैं। आप देखते होंगे कि अभी धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की लड़ाई में, चक्की में मुसलमान तो पिस रहा है, लेकिन हमारे धर्म गुरु जो लीडर हैं, मुस्लिम लीडरशिप, वो बात बात पर मोदी जी को घेरने और कांग्रेस के का समर्थन करने में लगे हैं। जबकि जितनी पीड़ाएँ हैं मुसलमानों के साथ, जितना दुख और है, जितना पिछड़ापन है, चाहे वो एजुकेशन पिछड़ापन हो, सोशल पिछड़ापन हो, पॉलिटिकल पिछड़ापन हो, ये सब कांग्रेस ने दिया हमें, तो इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे ये दीवार ख़त्म नहीं होगी। हिंदू हमारा बड़े भाई हैं इस देश में, इस सच्चाई को हम अगर नकारेंगे तो दीवार तो अड़ी रह जाएगी। तो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी कृपा हम पर बनी रहनी चाहिए और उनकी नाराज़गी पर हमें खामोश होना चाहिए। एक घर जो चलता है तो बड़े भाई का कुछ न कुछ तो हक होता है बड़ा होने का, और छोटे भाई को बड़े भाई का सम्मान करना पड़ता है। अगर घर के अंदर छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करना छोड़ दे तो घर घर नहीं रहेगा। भारत में एक मानसिकता ये पनपाई जा रही है अल्पसंख्यकों में भी कि ये तुम्हारे दुश्मन है, बड़े भाई नहीं है, और बहुसंख्यकों में ये बताया जा रहा है कि ये विदेशी हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं जो आ गए, इनको छोटा भाई मत मानो। जबकि सच्चाई है कि हम विदेशी नहीं हैं, हम मूल निवासी हैं, हम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। यहाँ भारत में, भारत की महानता यह है कि जिस धर्म के लोग भी यहाँ आए वो यहीं के होकर रह गए,
और जो धर्म भी आया उनको बहुत संभावनाएं मिली बढ़ने की। क्रिश्चियनिटी यहाँ पनपा, इस्लाम यहाँ पनपा, बौद्धिज्म यहाँ पनपा, सारे धर्म यहाँ पनपे, पनपता रहा। आज भी नए नए पंथ आ रहे हैं और वो पंथ भी पनप रहे हैं। आश्चर्य आपको होगा कि अभी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा वाला जो एक पंथ था, जो बाबा राम रहीम अभी जेल में हैं, उनका भी एक पंथ था और पनप रहा था और करोड़ों उनके मानने वाले हो गए थे। तभी तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो लाखों लोग जमा हो गए थे। कि भारत की महानता को समझना होगा। भारत ऐसा देश है जहाँ जहाँ एक बात मैं बीच में रोक कर ये कह दूँ कि छोटे आप जो थोड़े मोड़े लोग हैं, जब धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सुर और असुर, हिंदू संस्कृति की बात कर रहा हूँ, जहाँ देवी देवता हैं वहीं राक्षस भी हैं। तो बुरे लोग तो हमेशा रहे, मुसलमानों से पूछे तो शैतान और इंसान हमेशा रहा और रहेगा, मिटेगा नहीं। लेकिन कुरान के भाषा में मैं कह दूँ, हिजबुल्ला और हिजबुल शैतान, हिजबुल्ला हुमुल गालिबून, जीत हमेशा जो है वो सच्चाई की होगी, शैतान की टीम हारेगी। असुर हमेशा मरा है, देवी देवताओं का विजय हुआ है, यही तो है संस्कृति। तो आज भी वही लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये असुर हैं, ये मानव नहीं है ये। तो हम इनसे घबरा नहीं रहे, हम तो डटकर इनका मुकाबला कर रहे हैं। और हम अपने उन बड़े भाइयों से, सारे हिंदू खराब हो गए क्या? एक जोमेटो का वापस कर दिया, एक ओला को वापस कर दिया। भारत में एक ओला गाड़ी चल रही है क्या? करोड़ों ओला गाड़ी चल रही है। और लखनऊ में एक घटना घट गई, एक ओला को कॉल किया किसी ने और वो मुस्लिम ड्राइवर आया, उसने कहा मैं मुसलमान की गाड़ी पर नहीं चढ़ता। ये घटना भी आपने देखा होगा, टीवी में खूब चला था। कम से कम 10,000 डिलीवरी बॉय इस दिल्ली में है, जो जोमेटो नहीं इसके अलावा कई कंपनियां पिज्ज़ा सप्लाई कर रहा, डोमिनोज में है, सब में है ना भाई। तो क्या वो सब हिंदू ही है? उसमें 50% ज़्यादा मुस्लिम है। बेरोजगारी का शिकार जो है वो दलित मुसलमान ज़्यादा है कर रहा, कहाँ हिंदू लोग वापस कर रहे हैं? एक ने कर दिया। दिल्ली की आबादी 1.5 करोड़ हो चुकी है, शायद उससे भी ज़्यादा, अभी हमें ताज़ा पता नहीं आंकड़ा। एक आदमी ने अगर वापस कर दिया तो हाव हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये सोचना नहीं है कि अब देश ख़त्म हो रहा है, अब तो हिंदू मुसलमान रहेगा ही नहीं, मिलके बिल्कुल मिलकर रहेंगे, गले लगा कर रहेंगे और उनके हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे, मेरे दुख सुख में वो साथ रहेंगे। वो मेरे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनके छोटे भाई हैं, वो हम पर आशीर्वाद वाला हाथ रखेंगे। भारत की मिट्टी में वो खमीर है जिसको कभी भी लोग चाहे कि धर्म और जाति के नाम पर बहुत ज़्यादा हम भेदभाव पैदा करेंगे, अब संभव नहीं है। लोग हैं, लेकिन उस बेवकूफ़ आदमी को हम केवल ये संदेश देंगे कि आपने धर्म के नाम पर उस डिलीवरी बॉय को तो वापस कर दिया, क्या आपको पता है कि वो खाना किसने बनाया था? क्या आपको, जो भी लोग मंगाते हैं पिज्ज़ा मंगाते हैं ऑनलाइन, अभी बहुत रिवाज है मंगाने का, और ऑनलाइन को आप छोड़ दें, ऑफलाइन होटल में बैठकर खाने की बात कर रहे हैं, होटल है शिव शंकर वैष्णव ढाबा, ठीक है, लेकिन आटा कहाँ से आया? पानी जो वहाँ डिलीवर किया जाता है, वाटर सप्लायर जो है वो कौन है? जल बोर्ड में जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो कौन है? जो अनाज पैदा हो रहा, जो किसान पैदा कर रहा वो कौन है? तो अगर छुआछूत की बात करेंगे तो वहीं से वो शुरू होता, खेतों से जो कटाई शुरू होती है, बुआई शुरू होती है और फिर उसको जो फ्रेश किया जाता है, तो 1,000 हाथों से वो ट्रांसफ़र होकर वो कस्टमर तक, उपभोक्ता तक पहुँचता है। फिर हम ये सोचें, आज भारत नहीं पूरी दुनिया में हम हॉस्पिटल में भर्ती हुए और हमें ब्लड की ज़रूरत है, कोई भी आदमी मरते टाइम ये नहीं पूछता कि ये ब्लड हिंदू का है कि मुसलमान का है कि अगरा का है कि पिछड़ा का है। तो इसलिए कि उसको जान बचाना है, तो भूख भी जो है ना, भूख भी जान बचाना। वो आदमी पब्लिसिटी स्टैंड था उसका, उसका पब्लिसिटी स्टैंड था या मानसिक विकृति थी कि उसने ऐसा कहा, वरना भूख मिटाने के लिए कहीं भी धर्म नहीं है। गुरुद्वारे के पास खड़े होकर लंगर खा रहे हैं लोग, मंदिरों के सामने लंगर खा रहे हैं लोग, मजारों के सामने लंगर खा रहे हैं लोग, कहाँ धर्म है साहब? क्या गुरुद्वारे पर बटने वाले लंगर को खाने वाला सब सिख है क्या? क्या मंदिरों के सामने बटने वाले लंगर में खाने वाला सब हिंदू ही है क्या? क्या मजारों पर या और कहीं जगहों पर लंगर बटता है तो सब मुसलमान खा रहा क्या? सारे लोग मिलकर खा रहे हैं। जिसको भूख लग रही है, मैं मोटरसाइकिल से चलता हूँ अगर दिल्ली में और देखता हूँ कहीं भंडारा हो रहा है, वो भगवान के नाम पर लोग कर रहा है या किसी भी नाम पर कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे तो पूरी सब्जी हलवा से मतलब है, क्योंकि भूख लगी है तो भूख मिटाना, इसलिए इसमें धर्म नहीं, अनाज का कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं है अनाज का। और जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं, जैसे मौलाना हमारे साथ में और भी लोग हैं, हम उनसे भी जाने। सर आपका नाम? मेरा नाम ललित सोलंकी है।
ललित सोलंकी जी, हमने नाम बड़ी अच्छे से आपको क्लियरली बताते कि ललित सोलंकी जी है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, जो दीवार है, इस दीवारों को तोड़ने के लिए जो मुट्ठी भर लोगों ने बहुत कोशिश कर रहे हैं, लोग हो सकते हैं जिनकी ये विकृत मानसिकता हो सकती है। हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई आदमी एक जात का है, एक धर्म का है, उसमें खाना हम उसके हाथ से न खाएँ, क्योंकि खाने में जो जहाँ से शुरुआत होती है, खेत कटने बोने से लेके और सामान बनने तक, जो जैसा हाफिज जी ने बताया कि सब में हजारों हाथ लगते हैं, उन हजारों हाथों में कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जात हो सकती है, हिंदुओं में बहुत सारी जात हो सकती हैं, मुसलमान भी हो सकता है। तो यहाँ हम खान पान में इस सब जो दीवार कैसे तोड़ेंगे सर, कैसे समझाएंगे लोगों को? लोगों को समझाएंगे कि पहले हमें देखना है कि हमें देश को आगे बढ़ाना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा और हाथ में हाथ डाल के चलना पड़ेगा। हम विकृत मानसिकता के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि देश कहीं ना कहीं लड़ाई से कभी देश आगे नहीं बढ़ा है, या कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ा है। हमेशा लड़ाइयाँ बंद करके हमें एक देश को एक सही दिशा में लेके जाना है। तो देशवासियों के लिए क्या मैसेज है सर? देशवासियों के लिए मैसेज यही है कि अपने सही मानसिक उसका प्रदर्शन करें, सोच समझ के करें, बहकावे में ना आए, जो सही है वो सही करें। जो हमारे देश की संस्कृति है, जो रही है, जो हमारा धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जहाँ भारत इतने सब संस्कृति के साथ चलता आया है, भारत ने हमेशा जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं सिखाया है। भारत वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा वो है, उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है और उसी के साथ देश को तरक्की की तरफ लेके जाना है। सर आपका नाम? मेरा नाम राजू सिंह सोलंकी है। राजू जी, आपका क्या कहना है जिस तरीके की माहौल अभी हुआ है देश में, और अलग अलग तरीके से आपने देखा भी होगा कि एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप जैसे इंसान क्या मैसेज देना चाहते कि एक इंसान की सिर्फ एक गलती बहुत बड़ी दीवार खड़े कर देते हैं, और उस दीवारों को हम कैसे गिरा सकते हैं? मेरा मानना है जी कि इंसान को देखिए जात पात में कोई वो नहीं रखना चाहिए, कभी भी भेदभाव रखना ही नहीं चाहिए। और जो लोग डिबेट पे भी बुलाते हैं वो जानबूझ के बुलाते हैं, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, वो बहुत गलत बात है। लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं बनाने देंगे, वो कहते हैं हम मस्जिद नहीं बनाने देंगे, बिल्कुल गलत है। किसी को कोई किसी से तकलीफ नहीं है। सच यही है कि जात पात नहीं होना चाहिए, एक तरह से होना चाहिए, छोटे बड़े का लिहाज और शर्म होना चाहिए ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उससे तो ये होता है कि हम जात पात में अगर हम लोग बटेंगे तो बहुत गलत बात है। तो जात पात से ऊपर होके हमें इस समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारी ऐसा मुद्दा है जिसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी है, भूखमंगी है, जहाँ पर बीमार है, परेशान है, दुखी है, हॉस्पिटल नहीं है कहीं पर, ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी गरीबी के उस हालात में हैं, जहाँ पर एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। ऐसा भी जगह है जहाँ पर पानी भी नहीं मिल रहा, और ऐसा भी जगह है जहाँ पर बाढ़ की वजह से बहुत सही लोगों का घर खत्म हो चुका है। उन सारी चीज़ों से कैसे हमारे देश बाहर आने, कैसे हमारे देश उन्नति की तरफ जाना है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए, बल नहीं कि सिर्फ जाति बात में एक दूसरे को बांटते जाए, एक दूसरे के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ा करने की कोशिश करा जाए कि एक दूसरे को देख के काटने मारने में तो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से प्रहार करें कि हम हिंदू को देखने का मन नहीं करते, मुसलमान आते साथ ही आँखें बंद कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश जातिवाद को बिलीव नहीं करते। इस देश में सब एक साथ एक मुट्ठी में हमेशा बंधे हुए थे और आज भी बंधे हुए हैं।